साल 1987 में भारतीय टेलीविजन पर शुरू हुई रामानंद सागर की रामायण ने कुछ ही दिनों में हर घर में अपनी जगह बना ली थी। लाखों भारतीय इस पौराणिक धारावाहिक के दीवाने थे। इस धारावाहिक की खास बात इसके किरदार थे, जिसने लोगों के दिलों में वो जगह बनाई जो आज तक कोई नहीं बना सका, और उसमें से एक है दीपिका। उन्होंने सीता का किरदार निभाया था। उन्होंने सीता के रूप में घर घर में अपनी खास जगह बनाई। करोड़ों दिलों में दीपिका की छवि अब भी सीता के रूप में बनी हुई है। अगर आप भी दीपिका के किरदार को पसंद करते तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीता का रोल करने वाली दीपिका उस वक्त महज 15 साल की थी, और उन्हें इस धारावाहिक में इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी सफलता उन्हें मिली। उन्हें अदाकारी का शौक था, और जब उन्हें यह मौका मिला तो वह खुद को रोक नहीं पाई और इस किरदार के लिए हामी भर दी। वैसे हमें बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी लोकप्रियता ने किस मुकाम को हासिल किया था, लेकिन जब भी यह धारावाहिक बंद हुआ तो उसके बाद सभी के दिलों में बसने वाली दीपिका का ना जाने अचानक से कहां खो गई, और हम भी बदलते वक्त के साथ उन्हें भूल गए। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि इस समय दीपिका कहाँ है? दरअसल दीपिका ने एक कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हेमंत टोपी वाले से शादी कर ली। फिलहाल दीपिका इस कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग टीम की हेड है। उनकी दो बेटियां हैं, निधि टोपी वाला और जूही टोपी वाला। दीपिका फिलहाल अभिनय क्षेत्र में लौटना नहीं चाहती है। हालांकि उन्हें आज भी धार्मिक किरदारों की पेशकश होती है। दीपिका का पूरा ध्यान अभी अपनी बेटियों पर है, और साथ ही वो अपने परिवार को भी पूरा समय देना चाहती है। दोस्तों, अगर आप भी दीपिका के किरदार को पसंद करते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।